नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने किसानों और मजदूरों की खुदकुशी के आंकड़ों की एक खबर शेयर कर सरकार और मीडिया पर हमला बोला है। किसानों और मजदूरों की आत्महत्या पर घेरते हुए अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मीडिया के लिए एक एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हजारों किसानों और मजदूरों की मौत से ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी मीडिया कभी भी PMO से किसानों और मजदूरों की मौत पर सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। उन्होंने PUBG बैन को लेकर भी दिखाए गए खबरों पर सवाल किया। अजदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, रात 9 बजे वाले राष्ट्रवादी भारत के सबसे गरीब लोगों की खुदकुशी को मजबूर होने पर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, इसमें कोई जाँच भी नहीं होगी, पीड़ितों के परिवारों से कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई ड्रामा नहीं होगा, वो PMO से किसी भी कीमत पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लाखों भारतीय दर्द में हैं और ये उनका हक है कि उनकी आवाज सुनी जाए। अजदुद्दीन ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, लेकिन इन सब की जगह आज रात PUBG बैन पर चर्चा होगी, ताकि हमें हमारे साथी नागरिकों की दयनीय हालत से हमारा ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया की नज़र एक एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हजारों किसानों और मजदूरों की मौत से ज्यादा मायने रखती है। बता दें कि कोरोना वायरस ने देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की हालत और पतली कर दी है। देश में महीनों चले लॉकडाउन ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। वहीं देश का हर सेक्टर रेंग रहा है। देश की GDP में भी पिछले 40 सालों की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश की GDP में करीब 24% की गिरावट हुई है। वहीं बुधवार को खबर आई कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर पॉपुलर वीडियो गेम PUBG समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।